हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहो, यही मेरी कामना है ईश्वर से। तो रोज़ की तरह मेरी दिन की शुरुआत हो रही है काली चाय से। पहाड़ी में काली चाय, हिंदी में ग्रीन टी सॉरी इंग्लिश में ग्रीन टी। तो ये दूध है, दूध आ चुका है, तो दूध उबल रहा है। एक तरफ दूध उबल रहा है सिम फ्लेम में, और एक तरफ चाय बन रही है। इसको आपको बताया ही था मैंने चाय का, जो जिसने नहीं देखा मेरा चाय की क्या क्या डालती हूँ मैं चाय में, तो मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो आज सुबह जल्दी उठ गई हूँ, सुबह का टाइम हुआ है आज 8 बजे। 8 बजे तक मेरा बहुत सारा काम हो गया है, चाय चढ़ा दी है और घर की सेटिंग सूटिंग जो भी होती है मशीन लगा दिया। आज मैंने जल्दी उठ गई तो मशीन सुबह लगा दी। मेरे कपड़े धुल रहे हैं इसमें, आप बोलोगे झूठ बोल रही है, मशीन खोल के तो दिखाई नहीं, तो इसलिए खोल के दिखा रही हूँ तो आज जल्दी उठने के फायदे हैं ये। जल्दी उठ गई थी, नींद खुल गई थी, तो मैंने सोचा चलो उठ ही जाते हैं, अब दोबारा क्या ही सोना है। आज मेरी कमेटी है, मीटिंग जो होती है लेडीज़ की, किटी पार्टी कह सकते हैं, किटी पार्टी है आज मेरी 1 बजे से दिन में। तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ तो क्या क्या होता है मीटिंग कमेटी में, दिखाऊंगी आपको। देखो मेरा सिंक, मेरे हस्बैंड को शिकायत रहती है मैं गंदा रखती हूँ, बर्तन धोती नहीं हूँ, बर्तन पड़े रहते हैं और इसीलिए घर में मच्छर आते हैं। तो आप लोग मेरे गवाह बनना। देखो मेरा सिंक साफ़ है, कोई बर्तन नहीं है सुबह के 8 बजे। और ये देखो साफ बर्तन साफ करके मैंने रखे हुए हैं। कल का मेरा पूरा ब्लॉग ख़राब हो गया, कल का पूरा ब्लॉग पता नहीं क्या हुआ, पूरा ब्लॉग ख़राब हो गया। मुझे लग रहा था कि ये ख़राब होने वाला है, उसमें कुछ ऐसा सीन था जिसके लिए मैंने लिखा ओ माई गॉड ये क्या हुआ। तो सच में वही हुआ जो मुझे लग रहा था, बाद में मैंने देखा ओ माय गॉड ब्लॉग ही ख़राब था सारा। क्या कर सकते हैं इसके लिए, अभी मेरी काम वाली भी नहीं आई है, झाड़ू देख रहा है मैं कब आएगी करके फेस नहीं दिखाऊंगी, सो के उठी हूँ पूरा मुंह क्या बताऊँ आपको। तो मिलती हूँ आपसे, बने रहें मेरे ब्लॉग में, सपोर्ट करो मुझे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लो। मिलती हूँ आपसे। ये है बबीता, और आपको दिखाती हूँ बबीता की बागवानी। बागवानी बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं, पता नहीं क्या है यार। ये देखो धनिया, अगर किसी को भी धनिया चाहिए तो कांटेक्ट करना मुझसे आप, मैं आपको बबीता से धनिया दिला दूंगी, मेरी गारंटी है ठीक है। ये देखो बेलपत्र, बोलो मुंह से बोलना होता है, ये बेलपत्री है, और बेलपत्री के पेड़ बहुत सारे बबीता ने बोए थे, बहुत तो लोगों को दिए हैं, और इतना अभी और बचे हैं 2-3। ये भी बेलपत्री है, ये बड़ी हो गई है, सब बेलपत्री के पेड़ लगा रखे हैं। देखो ये वो क्या बोलते हैं इसको, एलोवेरा, लोग एलोवेरा के तरसते हैं, बबीता के पास भंडार है। तो ये हमारी बागवानी है, मनी प्लांट, ये है मनी प्लांट, इनके पास बहुत सारा मनी है, यही है वो जिनके पास बहुत सारा मनी है। ये गुड़हल का फूल है, ये देखो ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है, वो देखो सामने गाय चल रही है, भैंस चल रही है, भैंस को उन्होंने गाय बना दिया है, गाय भी है भैंस भी है, मिक्स है। अच्छा हाँ, गाय भैंस चल रही है, और नीचे ये रोड है, हाईवे रोड है, हाईवे वाली। तो मैं आई हूँ आज अपने छत पे, छत मतलब बालकोन अपने, हाँ हमारे ऊपर की छत पे, जो कि बबीता का घर है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ बबीता की बागवानी, इसलिए मैं आज, क्योंकि मेरे पास आज बहुत कपड़े हो गए थे, नीचे मेरा तवेरा लगाती हूँ इसीलिए मेरा मुंह इतना सुंदर है तो ये ली हैं बेडशीट हैं, ये बेडशीट नहीं है, ये ओढ़ने वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, खेस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब ये ओढ़ने वाले चदरे हैं। ये मैं लेके आई हूँ जयपुर से, और बहुत अच्छी है ये, वहाँ बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं सस्ती, यहाँ तो बहुत महंगी मिलती हैं दिल्ली में,
जयपुर में अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ से लेके आई हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये चद्दर लेके देने के लिए जयपुर वालों का, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है। तो इनके किनारे सिल दूंगी ना अभी, तो ये बढ़िया हो जाएगी। ओढ़ने वाली है ये, ओढ़ने वाली खेस बोलते हैं, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, खेस ही बोलते हैं। तो मैंने सोचा चलो किनारी सिल लूँ इनकी, फिर अभी मुझे जाना है, मैं फटाफट एक काम तो कर लूँ, आज से इनको स्टार्ट करेंगे ओढ़ना, क्योंकि ये ठीक है आजकल के लायक। पंखे तो अभी चल रहे हैं हमारे, अभी पंखे चल रहे हैं तो उनके हिसाब से ठीक है। अभी कंबल निकलने में टाइम है, मैंने कहा चलो आज इनको सिल लिया जाए। और खाना तो आज कमेटी में ही हल्का फुल्का जो भी होगा, चाय पकौड़े नाश्ता, मैं रोटी मैंने खा ली है, बस अब वही खाऊंगी थोड़ी बहुत कमेटी में जो मिलेगा, नाश्ता पानी या खाना जो भी मिलेगा। अपनी अपनी इच्छा होती है हमारी केटी पार्टी में, जिसकी जो इच्छा होगी वो देगा, वो खिलाएगा। तो आज सुनीता के घर में है आज केटी पार्टी, सुनीता आज जो देती है खाने को, देखते हैं क्या 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 होता है, दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। तो तब तक मैंने कहा अभी टाइम है 12:30 बजे जाना है हमने कमेटी में, तो अभी 11:30 हो रहे हैं, 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। मैंने इनके लिए निकल गई हूँ मीटिंग के लिए, वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है हम लोगों में गपशप। ये हमारा पार्क है घर के बाहर का, यहाँ बहुत पार्क है हमारे सोसाइटी में, बहुत पार्क हैं। ये बहुत अच्छी खूबी है, हर मतलब घर के आगे पार्क है हमारे, मतलब हर किसी के घर के फ्रंट में पार्क है। बहुत अच्छी सुविधा है बच्चों के खेलने की, हर चीज़ की। तो पहुँचने वाली हूँ, फिर वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ मीटिंग में। हेलो सबको, ये हेमा है, ये मीना है, ये मनीषा है, ये रजनी जी है, और घर की ओनर कहाँ है, घर की ओनर कहाँ है मेरे को सब जानते हैं। ये है सुनीता रावत, इनके घर में आज किटी पार्टी का। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, और ये क्या क्या रखा है पीने के लिए, वो है ग्लास तो बड़े अच्छे हैं अरे। वाह, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा, बने हुए हैं। अच्छा सब आएंगे, मैं सांस बहुत फूल रहा है, मैं बहुत और लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं कमेटी में, मीटिंग में, किटी पार्टी में, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अभी तो ये जूस चल रहा है, अभी पकौड़े आएंगे। तो और ये पैसे का हिसाब किताब चल रहा है, क्या पैसे का, अगर पैसे किसी की जरूरत है तो आइए हमारी किटी पार्टी ज्वाइन कीजिए। डाका मनीषा के घर में पड़ेगा आज, लाओ भाई दो पैसे दो, आके सब बैठ गए हैं, पैसे कोई नहीं दे रहे हो। ये दैमयंती जी हैं, दैमयंती जी इधर देखिए, रजनी जी इधर देखिए, कहाँ मुंह फुलाए बैठी हो। अपने आप को देख के ब्लॉग में तब तो लाइक कमेंट करोगे ही। हाँ यार कर लेते हो, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दिया बहुत बड़ी बात है, सब्सक्राइब ज्यादा होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो हंस रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं। ये हमारी एक मेंबर अब आ रही है, बताओ इनको लेट फीस ली जाएगी, इनसे लेट फीस ली जाएगी। और अब आ चुके हैं, जूस पार्टी खत्म हो गई है, अब आई है चाय पकौड़े। वाह, पकौड़े तो मेरे फेवरेट है यार, मुझे बहुत पसंद है पकौड़े, पकौड़े तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या कहूँ पकौड़े के यार। चाय पकौड़े एंड ग्रीन चटनी, वाह बहुत बड़े बाउल में चटनी बनाई है। ये पैसे जिसको चाहिए आ जाओ, ये रजनी मीना और हेमा ने बनाया है। हाँ भाई हाँ, तुमने ही बनाया है, देखो आगे क्या पता, अभी डांस भी करें ये लोग, जिसके घर में मतलब जेंट्स होते ही नहीं है, हम लोग दरवाजा बंद करके
डांस भी करते हैं। देखो अगर डांस पार्टी हुई इनकी, डांस करना करेंगे ये लोग, तो फिर मैं डांस भी दिखाऊंगी आपको। सुनीता का किचन दिखाती हूँ आपको, ये देखो सुनीता किचन में बिजी हो रही है बेचारी। ओ गजब, चाय तो बहुत ज्यादा बना दी तुमने आज। हमने सुनीता की वाट लग गई, जिसके घर में कमेटी होती है उसका ऐसी होता है। तो जो बाहर से आते हैं वो बन ठन सज सवर के आते हैं, और जिसके घर में कमेटी होती है उसकी वाट लग जाती है बेचारे की। बहन तुम तो हो ही सुंदर, तुम्हारे क्या कहने। सबको पकोड़े दिए जा रहे हैं, सेपरेट चटनी और पकोड़े। वाह कितने अच्छे पकोड़े बनाए सुनीता ने, बड़े अच्छे बनाए यार। अरे यार ये हमारी किटी पार्टी, मैं तो गुरु बाबा से डाल रहा हूँ। हाँ जी, प्रोग्राम कब है? ये ब्लॉग बन रहा है मेरा, तो आप ब्लॉग में आओगे, मैं स्टेटस लगाऊंगी, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। इलेक्शन से बड़ी चीज है ये, बताओ मेरी सहेलियां मुझसे इलेक्शन लड़वा रही है, बताओ। हद है यार। मेरे चैनल के सपोर्ट में कुछ बोलो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हैं लाइक कमेंट करो और शेयर करो, खूब सारा शेयर करो और देखते रहो, कमेंट्स करते रहो। और बोलो कुछ। बस बहुत कुछ बोल दिया है, बोलने के लिए इतना ही। मैं आई हूँ मीटिंग से अपनी किटी पार्टी से, और इन्होंने खाना मैं तैयार करके गई थी, सब कुछ मैटर बना के इन्होंने खाली छोंका है और बना के खा लिया है, और खा पी के बैठे हुए हैं। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खाना नहीं खाया तो खा, बात कर लो। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।